ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं संदीप राज। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पीस प्लेस्टेशन 2 की गेम अपने कंप्यूटर पे खेल सकते हो। गाइस मिनिमम 8 GB रैम आपके कंप्यूटर में होने चाहिए, 8 नहीं तो कम से कम भाई 4 GB रैम रखना रखना जरूर। उसके बाद कोई ग्राफिक कार्ड होगा, जैसे आपके पास GTX 750 होगा या फिर 710 होगा। ग्राफिक कार्ड मतलब जरूरी है, कंपलसरी है, मैं कहता हूँ नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा यार, कंपलसरी है अगर गेम को थोड़ा अच्छा मोड में खेलना है, थोड़ा स्टेबल मोड में खेलना है। ग्राफिक कार्ड नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, चल जाएगी गेम, पर थोड़ा लैग ही होगा। ठीक है, तो गाइस आज आपको बताऊंगा कैसे आप PS2 की गेम डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी में। तो गाइस सबसे पहले एक बात बता दूं यार कि ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है। लोग स्कीप कर देते हैं चीजें, इसलिए गेम चलती नहीं है, बाद में फलाना ढिमकाना चीजें होती हैं। ठीक है गाइस, एक बात और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज जितना हो सके पायरेसी को कम करो, पर मैं नहीं करता, ठीक है, पर कोई बात नहीं। सबसे पहले यार आपके दिमाग में आया कि यार PS2 खेलने के लिए डायरेक्टली तो PS2 गेम चलती नहीं है, उसके लिए चाहिए होता है आपको एक एमुलेटर। ठीक है, अब PCSX2 नाम है इसका एमुलेटर का। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है PCSX2 वाली, ठीक है। इसको आप जैसी ओपन करोगे तो ये आपके पास आएगा विंडोज, विंडोज पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हो ये आ रहा है, बाइनरी आ रहा है और एक स्टैंडर्ड आ रहा है। तो स्टैंडर्ड पे जाओगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है, देखो डाउनलोड हो रहा है 17 MB का। अब ये इंस्टॉल होने के बाद गाइस इसको सबसे पहले इंस्टॉल होने दो, तसल्ली से इंस्टॉल होने दो, ठीक है, PCSX2 को होने दो, जितना टाइम ले रहा है, धीरे धीरे आपको सब कुछ बता दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपका वक्त भी बचे और मेरा दिमाग भी, ठीक है। तो गाइस ये डाउनलोड हो चुका है सेटअप। अब तो जब ये डाउनलोड हो जाए इसको इंस्टॉल मत करना अभी, इसके बाद आप जाओगे इस वाले पे। गाइस हमेशा देखना, एक हर एक एमुलेटर के लिए एक BIOS चाहिए होता है। BIOS का मीनिंग होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो एक हार्डवेयर का बेसिकली इन्फॉर्मेशन रखता है BIOS। तो BIOS चाहिए PlayStation 2 के लिए। आप एमुलेटर तो कर लिए, अब आई BIOS के बारे, तो डाउनलोड पे क्लिक करना, ये डाउनलोड आ जाएगा। 5 सेकेंड मांग रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 लग गया। 12 MB गए, चलने दो BIOS, ठीक है, 1 मिनट मांग रहा है। अब गाइज ये जब हो जाए, ये सब जब हो जाए, उसके बाद आप एक काम और कर सकते हो। अगर आपका डायरेक्ट एक्स अपडेट नहीं है या डायरेक्ट DLL की फाइलें आ रही हैं, कुछ भी एरर वगैरह किसी भी गेम में आता है, तो आप ये कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये मैं आपको ऐसे ऑप्शनल बता रहा हूँ, आप अपना डायरेक्ट एक्स अपडेट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एक्स आपको पता ही होता है क्या, ये ऑप्शनल है, ये चाहो तो कर लो, नहीं चाहते हो मत करो, ऑप्शनल बता रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज एमुलेटर हो गया, BIOS हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं एमुलेटर की तरफ, मैंने किया यस। अब गाइस जो ये बोल रहा है सब कुछ कर लेना, ठीक है, जो जो ये मांग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, सब कुछ सब पे क्लिक है, क्लिक रहने दो, नेक्स्ट करना। अभी देखो इंस्टॉल कहाँ पे हो रहा है, सी ड्राइव में हो रहा है, इंस्टॉल करो, चलने दो, जैसा ये चलता है वैसे चलने दो, ठीक है, क्योंकि यार अब कंफ्यूज बहुत हो, मैंने देखा यूट्यूब पे कई सारी वीडियो है पर बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रखी है। अब मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब जो आपका ये BIOS था, अब ये आओगे शो इन फोल्डर पे। अब देखो ऐसे जो BIOS है ये देखो पड़ा कहाँ है मेरे, ये देखो ये पड़ा कहाँ पे, ये लोकल डिस्क यूजर संदीप डाउनलोड में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं करूंगा एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर करते ही सारी फाइलें देखो आप, जो बिन की फाइल है, NVMe की फाइल है, room.bin जो भी, ये सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अब आपका जो सॉफ्टवेयर था यानी कि PCSX2, उसका आइकन बन गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, अब ये सबसे पहले आपसे पूछेगा सिस्टम डिफॉल्ट रखना है, आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो गाइस ये पूछ रहा है कि मेरे पास पहले से सेटिंग थी, मैंने पहले कहा था आपके लिए मैंने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है, तो मैं इसको करूंगा कैंसिल, ये सॉरी कैंसिल नहीं, ओवरराइट, ठीक है, ये सब कुछ उठा लेगा। अगर ये नहीं आता आपके पास, नेक्स्ट करके इंपोर्ट पे जाओगे, अब यहाँ पे प्लगइन्स मांगेगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा जहां आपने डाला होगा, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये मांगेगा BIOS, सबसे पहले क्या बता दूं, जो मैंने डाउनलोड किया था वो BIOS, लेकिन ये कह रहा है कि भाई BIOS तो मुझे दिख नहीं रहा, तो इसको सबसे पहले आपको अनचेक करना है, इसको अनचेक करो। और मैंने BIOS रखा कहां था आपको याद होगा, ब्राउज पे जाऊंगा, डाउनलोड में था, अरे भैया ठीक है, डाउनलोड में जैसे मैं सिलेक्ट फोल्डर करूंगा आ गया, ठीक है, वहां पे खाली दिखाता है, जब मैंने क्लिक किया वहां खाली ही दिखाएगा आपको, याद रखना ये बात, ठीक है।
तो आपको यूएसए वाला चूज करना है, ठीक है। यूएसए चूज करते ही आपको नेक्स्ट करना है। गाइस मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, इस बॉक्स को अनचेक करना, उसके बाद ओपन इन एक्सप्लोरर करना। ओपन एक्सप्लोरर करने बाद जहां पे वो पढ़ा देखो अब दिखा रहा है, ठीक है, जहां पे ये पढ़ा है, मान लो डॉक्यूमेंट में पढ़ा था, डॉक्यूमेंट जाके ओके करना था, मैंने डाउनलोड में जाके ओके कर दिया, ठीक है, तो ये उठा लेगा। आपको यूएसए वाला चूज करना है तो यूएसए वाले पे जाओगे, फिनिश आ गया, ठीक है। अब भाई एमुलेटर हो गया, बायोस भी हो गया, अब आती है बारी गेम की, गेम कहां से करें। तो गाइस पहले आपको बता दूं, कई सारी वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है, मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है, प्लीज इसको ब्लॉक मत करवा देना, ठीक है। तो इस वेबसाइट का नाम है कूल रोम्स। अब जैसे आप खोलोगे ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी, इस पे आपको यहां जाना है, देखो छोटा सा दिख रहा है PCSX2, EPSX पे मत जाना, PCSX2 पे जाना, ठीक है, क्लिक करना। अब मैं सबसे छोटी सी गेम करूंगा कोई यहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो PCSX2 में गया मैं, ठीक है, तो कोई छोटी सी गेम है यहां, छोटी सी गेम, ठीक है, टैग एंड टैग कर लेते हैं, टैग एंड टैग टूर्नामेंट, ठीक है, ये कर लेते हैं। मैं ओके कर रहा हूँ, डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोड नाउ चल रहा है। तो गाइस अब कूल रोम का अपना सेटअप होता है, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। 1 MB का गेम नहीं है, अभी देखना होगा क्या क्या। स्टार्ट डाउनलोड, यस, ओपन, यस, ये पहले एक एप्लीकेशन उठाता है, उसके बाद ये आपको गेम देता है, ठीक है। तो ये देखो आ चुका है, नीचे आ गया, 400 MB की टैक एंड टैक, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, अब सबसे पहले गाइस ये देखो यहाँ पे लिखा गया इंस्टॉल सेग्नो एंटीवायरस टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, इसको डिक्लाइन करना है, याद रखना डिक्लाइन, ठीक है। अब देखने छुप गया, दिखता नहीं है ये। अब आप यहां जाओगे, देखो गेम यहाँ पे आपकी लगी हुई इंस्टॉलिंग पे, डबल क्लिक करोगे यहां आ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना एक सेटअप के बाद अगला वाला या तो एंटीवायरस आएगा अवस्थ का डाउनलोड करने के लिए, या सिग्रो पिग्रो जो भी आता है उसे डिक्लाइन कर देना, उसे एक्सेप्ट मत करना। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ये छुप जाएगा अपने आप, फिर आप यहाँ पे जाओगे, आपका जो टास्क बार रहता है नीचे यहाँ पे शो हिडन वाले में, यहाँ पे जाओगे डबल क्लिक करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड होता है पूरा मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या करना है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग 100% आ रहा है। गाइज अगर इसके बाद कोई आपको स्क्रीन आती है आप फिनिश कर देना, ठीक है, 100% डाउनलोड हो गया, आपको फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करते एक बार फिर से ही आएगा, देखो अवस्थ आ रहा है, ठीक है, तो इसे डिक्लाइन कर देना, याद रखना। अब ओपन करना है, ये आपको फाइल लोकेशन दे देगा कि आपने कहाँ डाउनलोड किया है, ठीक है। तो मैंने ये, अरे यार फिर से वेबसाइट खुल गई सेम, ठीक है, ये खुल चुका है और ये रहा वो फाइल फोल्डर खुल गया, ये रहा, तो टैग इन टैग ये रही डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। गाइस एक बार देखना, PS2 में ISO चलता है, ठीक है, तो राइट क्लिक करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट हियर करोगे, ये भी अभी जिप फाइल में, ठीक है। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर क्लिक करोगे ये देखो टैग एंड टैग डॉट बिन की फाइल आ गई, ठीक है, डॉट बिन है, पता नहीं कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है, डॉट बिन भी चलता है और ISO भी चलता है, तो कई सारे तरीके हैं। और आपके पास जो ये देखो डाउनलोड हो चुका है, ये भी डॉट बिन फाइल है, ठीक है, 694 MB की। अब कई सारी गेम है, टैग एंड टैग है, ये भी, ये PS2 की भी, गॉड हैंड भी PS2 की है, मैंने खेल रखी है, एंड स्क्रीन पर दिखा दूंगा, मैंने पूरा गेम प्ले खेला हुआ उसका, आप जाके देख सकते हो। ड्रैगन बॉल जी भी मैंने खेली हुई है, ये वाली भी खेली हुई है मैंने, नरूटो भी खेली हुई है, ठीक है। तो गाइस अब गेम भी हो गई, सब कुछ हो गया, एमुलेटर पे बायोस भी सेट कर लिया था, अब चलते हैं भैया गेम की तरफ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ISO सिलेक्ट करना है, ब्राउज पे जाना है। तो मेरी गेम थी भैया डाउनलोड में, सीधी बात है, ठीक है, डाउनलोड में देखो दोस्तों अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल सपोर्टेड ISO MDF NRG बिन इमेज। अगर आप टैग एंड टैग की बजाय अगर आप गॉड हैंड करते हो तो आपको ISO की इमेज मिलेगी, जैसे आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो ISO की फाइल आएगी। तो सिंपली आपको अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सिलेक्ट कर रहे थे, तो मैंने अभी टैग एंड टैग किया, टैग एंड टैग क्या थी, एक बिन फाइल थी, तो ये रहा टैग एंड टैग टूर्नामेंट डॉट बिन फाइल थी, कोई चीज नहीं करना, ओपन कर देना। अगर आप गॉड हैंड करते हो, ड्रैगन बॉल जी करते हो तो डॉट ISO लिखा आएगा, एक ही सिंगल फाइल आएगी, तो डॉट ISO को सिलेक्ट करना और ओपन कर देना, ठीक है। तो डॉट बिन निकला था, मैंने इसको क्लिक किया, ओपन कर रहा हूं मैं। ओपन करते ही ये स्क्रीन देखना यहाँ पे आ गया है, स्वाइपिंग टू ए न्यू ISO, उसके बाद सिस्टम पे जाओगे, सिस्टम DVD बूट फास्ट, FPS आ रहा है, गेम आ जाए आगे, प्रोड्यूस बाय नेमको, ठीक है, ये सब आ चुका है। यार आवाज बहुत तेज आती है इसमें, तो मैं आवाज कम कर रहा हूँ, ठीक है।
तो गाइस आप देख सकते हो गेम चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। मैं दिखा भी रहा हूँ कि हाँ ये मेरी स्क्रीन पे ही चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, बड़ा कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ और स्कैम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो गाइस बस यही था, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे बता देना। तो ऐसी आप प्ले स्टोर गेम डाउनलोड कर सकते हो, अपने पीसी पे खेल सकते हो गाइस। बाय, लव यू ऑल, सी यू।